एवरीवन वन मैं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपाली किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आलू की सब्जी की रेसिपी वैसे तो आलू की सब्जी आप सभी के घर में बनती होगी बट ये कुछ स्पेशल सब्जी है जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर किया जाए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो एक सेकेंड हाँ तो आते हैं वीडियो पे तो मैं हमेशा क्या करती हूँ जो अपने सूखे मसाले होते हैं लाल मिर्च हरा धनिया जीरा पाउडर बारीक जीरा पाउडर गरम मसाला लाल हल्दी इन सब को जो है मैं नमक भी डाल दिया है मेरे ये मैंने काला नमक डाला है तो इन सब को मैंने क्या किया है कि डाल के पानी डाल के इसका एक पेस्ट जैसा बना लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत है ऐसे पेस्ट बना के सब्जी बनाने की इससे क्या होता है हमारे मसाले जो होते हैं ना वो जलते नहीं है तो यहाँ पे मैंने लिए एक कढ़ाई और कढ़ाई में लिया है दो चम्मच के करीब ऑयल दो चम्मच नहीं दो पली के करीब मेरी पली बहुत छोटी है तो आप ये मत सोचिए बहुत ज़्यादा ऑयल डाला है मैंने तो अब यहाँ पे इसमें डाल दिया मैंने जीरा जीरे को तड़कने देंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ पे हम मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च और यहाँ पे ध्यान रखिए मेरी गैस की आज जो है ना वो कम है बिल्कुल अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक जी हाँ गाइस अदरक मैंने इसमें डाला है और अदरक को अच्छे से भून लेंगे हम इसमें और अब हम डाल रहे हैं जो है टमाटर हमारे हमारे नहीं मतलब टमाटर सभी के होते हैं टमाटर तो टमाटर को मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही क्रश कर लिया था उसको बहुत जरूरत नहीं है बारीक काटने की तो वो टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया है अब डाल रही हूँ मैं नमक नमक डालने से क्या होगा कि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएंगे तो यहाँ पे इसको नमक डालने के बाद में भी थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूंगी तो अब हमें क्या करना है टमाटरों को अच्छे से पकाना है और कुछ भी नहीं करना है बहुत ही ये रेसिपी है बहुत ही अच्छी लगती सब है सब टमाटर में निकल गए हैं और यहाँ पे मैंने एक तीन चार हरी मिर्चियाँ ली थी जिनको की बीच में से कट कर लिया था अगर कट ना करो तो वो थोड़ी उछटती हैं उचकती हैं उचटती हैं है जो भी है तो इसलिए मैंने उसको डाली था इससे क्या होगा हमारे टमाटर की सब्जी में जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हरी मिर्चियों का आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है क्या बोलते हैं उसको आ, कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने के बाद में ना देखिए कितना अच्छा ग्रेवी में कलर आ गया है ना तो मैंने उसको बारीक पीस लिया था हाथों से क्रश कर लिया था और फिर छान लिया था फिर मैंने डाला और यहीं पर हमने डाला है अपना जो पेस्ट बनाया था हमने मसालों का वो मसालों का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है इस तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ अपनी सब्जी को क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि मसाले में ना बहुत अच्छे सा तरंग आ जाता है तरंग क्या बोलते हैं जो ऑयल तो होता है ना वो अच्छे से सेपरेट हो जाता है और जल्दी सेपरेट होता है ऐसे करने से है ना और हमारे मसाले जो है वो बिल्कुल जलते भी नहीं है तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला यस चाट मसाला इसमें बहुत अच्छा लगता है टेस्ट अच्छा आता है चाट मसाले का तो उसको डाल के भी इसमें मिक्स कर देंगे अब यहाँ पे हमने लिए अपने थोड़े से आलू आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तीन से चार आलूओं को बॉईल करके और इसी में मैंने इसमें मैश करके इसमें डाल दिए थोड़े से हम आलू के ना बड़े चंक्स भी रहने देंगे एकदम ही छोटे छोटे टुकड़े नहीं करेंगे और जो बहुत जब बड़े वाले टुकड़े होंगे उनको थोड़ा सा हम स्पेचुला से ही कट करके थोड़ा सा वो कर लेंगे और यहाँ पे मेरा थोड़ा कैमरा हिल गया था मेरे याद का धक्का लग गया था तो इसको मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें आलू मसाले को आलू में अच्छे से तरीके से लपेट लिया है यहाँ पे हमने तो इस लपेटने के बाद में अब हम क्या करें इसमें डाल रहे हैं पानी आवश्यकता अनुसार वैसे मैंने करीब दो कप के करीब पानी डालूंगी मैं इसमें अभी थोड़ा सा डाला है बाद में थोड़ा और डालूंगी मैं थोड़ा मिक्स कर लूँ सब्जी को उसके बाद में मैंने थोड़ा और पानी डाला है इसमें और अब हमें क्या करना है अब हमें लेना है इसमें केवल एक उबाल अच्छे से उबाल लेंगे हम सब्जी को ताकि सब्जी हमारी ग्रेवी हमारी थोड़ी सी ठीक हो जाए अब यहाँ पे हम बना रहे हैं थोड़ा सा तड़का एक आ, हमने घी लिया उसमें तेज पत्ता डाला है और एक चम्मच के करीब जो है वो लाल मिर्च मैंने डाली है इससे क्या होता है कि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है अब इस तड़के को हम इसमें डाल देंगे और असली घी का तो आपको स्वाद पता ही है ये किसी भी चीज़ में चार चांद लगा देता है बस हमारे आलू की सब्ज़ी में भी ये चार चांद लगा देगा आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी थोड़ा सा मैं गर्म मसाला और ऊपर से डाल रही हूँ इसमें और अब इसको अच्छे से मिक्स करके बस हमें उबाल लेना है अच्छे तरीके से आपने ये आपको ये रेसिपी कैसी लगी है इस वीडियो को आ, मैं भूल गई थी सॉरी अभी थोड़ा डाल दिया मैंने हरा धनिया और यह हमारी हमारी सब्जी बनके के तैयार हुई है बहुत जल्दी बन जाती है सब्जी और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे भंडारे वाली जो सब्जी होती है ना आलू की वैसी ही लगेगी ये सब्ज़ी आपको तो यहाँ पे मेरे पास में दो ना था मेरे को भंडारे की याद आ गई थी बनाते बनाते मैंने सोचा चलो इसको दोने में ही प्रेजेंट करती हूँ मैं तो भंडारे वाली फीलिंग आएगी वैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भंडारे तो नहीं होते पर आपके वहाँ भंडारे होते होंगे ही ऑब्वियसली और नहीं होते तो आप भी मेरी कैटेगरी के, के हो मैं बहुत मिस करती हूँ भंडारे इसलिए मैं ये इस सब्जी बहुत बार बनाती हूँ ताकि मैं भले ही भंडारे अटेंड ना कर पाऊँ लेकिन घर में भी मैं भंडारे की फीलिंग ले सकती हूँ यहाँ पे मैंने उस दिन बनाया था रहायता और थोड़ा सा हलवा बनाया था एक्चुअली उस दिन घर में पूजा भी थी इसलिए मैं ये सब बना भी रही थी और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय